18,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल सेतु में दरारें आ गई। क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु पर आई दरारों का निरीक्षण किया। इस सेतु का उद्घाटन चुनाव से पहले ही हुआ था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है, हम विधानसभा में ऐसे कई उदाहरण पेश करेंगे। बता दें कि नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु पर दरारें दिखाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अटल सेतु का दौरा किया और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और यात्रियों की सुरक्षा चिंताओं को उठाया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आपको दिखाने आया हूं, हम जो कह रहे हैं वह सिर्फ आरोप नहीं है, सरकार किस तरह भ्रष्टाचार कर रही है। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बना अटल सेतु, आज दरारें इसमें दिख रही हैं। सरकार दिखा रही है वे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप यहां भ्रष्टाचार देख सकते हैं। वे अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन इसका अधिकार किसने दिया? लोगों की जान खतरे में डाले। लोगों को योजना बनानी चाहिए कि इस भ्रष्ट सरकार को कैसे हटाया जाए। इस मामले में कांग्रेस ने एक्स पर भी पोस्ट किया है। बता दें कि लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित MTHL भारत का सबसे लंबा पुल है और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। नवी मुंबई में उलवे की ओर बाहर निकलने वाली दरार देखी गई। ये दरारें तारकोल रोड के एक तरफ हैं। इसका उद्घाटन इसी साल 12 जनवरी को किया गया था। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना हुआ है। यह देश का सबसे लंबा पुल है। यह पुल मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मुंबई से पुणे और गोवा दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय में इससे कमी आई है। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी के लिए बेहतर है, लेकिन अब इस पुल को लेकर भाजपा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये दरारें कैसे आई, ये जांच का विषय है। सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए। मुंबई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए आकाश ढाके की रिपोर्ट।